जयपुर में महिंद्रा ने अपना पहला अक्विक सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया और इस मौके पर महिंद्रा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड कस्टमर विजय नाकरा जयपुर पहुंचे। इस मौके पर उनसे खास बातचीत के हमारे संवाददाता आदित्य आत्रे ने। महिंद्रा ने आज अपने एक नए आउटलेट क्विक सर्विस की लॉन्च किया है जयपुर के अंदर। चलिए इसी मौके पर बात करते हैं कंपनी के सेल्स वाइस प्रेसिडेंट विजय नाकराज के साथ। सर, क्या कुछ खास रहेगा इसके अंदर? देखिए, हम जो भी करते हैं हमारे कस्टमर को हमेशा सेंटर में रखते हुए करते हैं। तो हम जानते हैं कि जयपुर जैसा जो शहर है वहाँ पर हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं और उनकी सुविधा के लिए सिटी के अंदर हमने एक क्विक सर्विस वर्कशॉप खोला है। इसका मेन पर्पस जो है कि यहाँ पे क्विक सर्विस होगा कस्टमर के लिए, यानी हर एक बेस से एक गाड़ी जो अंदर आएगी 60 मिनट के अंदर उसकी सर्विस कंप्लीट होके कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे दो बे खड़े किए हैं जिसके द्वारा 16 गाड़ियाँ दिन के यहाँ से हम सर्विस कर पाएंगे। जो भी गाड़ी है हमारी पर्सनल रेंज की जो कस्टमर्स की है वो हम यहाँ पे उनके लिए सर्विस करेंगे। तो ये सिटी के अंदर उनकी सुविधा के लिए हमने क्रिएट किया है। जैसे कि बात करें, महिंद्रा सबसे लार्जिंग SUV सेल्स कंपनी बन गई है, तो कंपनी क्या कुछ नया कर रही है अब आगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि जो SUV कैटेगरी है उसमें हम हमेशा लीडर रहे हैं और हमारा जो एफर्ट है वो हमेशा लीडरशिप की तरफ ही है। तो चाहे सेल्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे नए प्रोडक्ट्स हो, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सब तरीके से सारे एरियाज़ को कवर करते हुए हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं ताकि वी कंटिन्यू टू बी मार्केट लीडर्स इन दी SUV कैटेगरी। क्या ऐसी कोई नई कार भी SUV के अंदर अभी महिंद्रा लाने की सोच रही है? देखिए, इस साल में, आने वाले साल में, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, काफ़ी लॉन्चेस होंगे, बट आज के इस ये जो लॉन्च है उसकी विषय हमारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, तो मैं उस पर आज कमेंट नहीं करूँगा। तो ये थे हमारे साथ विजय नाकरा जी, जिनका कहना था काफ़ी कुछ महिंद्रा के अंदर है जो आगामी कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगा। कैमरामैन घनश्याम कुलदीप के साथ आदित्य आत्रे, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।